हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग? आप सब बढ़िया होंगे। आज भी सेम एनर्जी और सेम इंटेंसिटी के साथ हम लोग डे टू, पुणे डे टू का व्लॉग शूट करेंगे। आज का प्लान ये है कि ज़्यादातर अभी कॉलेज में जाऊंगा। अभी 10:30 के आसपास हो रहा है, तो कॉलेज में जाऊंगा। कॉलेज में साइन वाइन सब करवाना है, एप्लीकेशन देना है, माइग्रेशन, TC, ये सब के लिए नो ड्यूज फॉर्म फिलअप, जो भी है, जो भी फॉर्मेलिटीज रहते हैं कॉलेज में, वो सोच रहा हूँ आज का दिन पूरा कम्प्लीट कर लूँ। तो यहाँ से हमारी कॉलेज की शुरुआत मैं धीरे धीरे करके सब दिखाऊंगा। यह है पार्किंग सामने, जो आप देख रहे हो, बस पार्किंग। बस में कभी, मतलब वैसे मैंने कॉलेज से जब भी आता था, अपना प्राइवेट व्हीकल था, उसी से आता था, कोई बस से आया नहीं हूँ। और यहाँ पे राइट साइड में आप अभी देखोगे टक शॉप, जहाँ पे हम दोपहर के लंच वगैरह सब करते थे। तो यह है टक शॉप। यहाँ से सामने से आपको टोकन लेना है, और इसके बाद यहाँ पर आपको जो है मतलब रिसीव करना है। तो ये वाला एरिया टोटल पूरा बांस पार्किंग है, और सीधा जाऊंगा ना तो मेरा कॉलेज मिलेगा, मेरा जो है SOE स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग। बाकी यही है, बाकी दिखाते हैं आप लोगों को घूम घूम के। तो ये वाला जो एरिया पीछे आप देख रहे हो, ये बाइक पार्किंग पूरा SOE का, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, जो कॉलेज में मैं पढ़ा था, और वो कॉलेज सामने ही है। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, पहले ये वाला व्यू देख लो। यहाँ पर मैं स्कूटी और बाइक जिसका भी लाता था वो पार्किंग करते थे। मैं ये वाला बिल्डिंग देख लो, ये वाला बिल्डिंग है SOE स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, यहाँ पर मैं पढ़ा था। यह फुल बिल्डिंग मैं सामने से दिखाऊंगा, उस साइड से जाना पड़ता है, उसी वाले एरिया से। और यहाँ पे सामने जो देख रहे हो, यहाँ पे मेरा वर्कशॉप हुआ करते थे। मतलब अगर इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तो आपको पता है ये वर्कशॉप क्या होते हैं। तो ये वाले एरिया में ये फूड का वर्कशॉप होते थे, ये मतलब मैकेनिकल और ज़्यादातर सिविल का जो भी रहता है वर्कशॉप यहाँ पर होता था। और ये पूरा एरिया अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये वाला बिल्डिंग फुल कम्प्लीट होगा तो और मज़ा आने वाला। लेकिन चलो, जितना भी मिला उतने में हम लोग पढ़े थे। और ये सबसे ज़्यादा मतलब हम लोग वहाँ पे बैठ के बहुत बहुत मस्ती किया करते थे, ये वाले एरिया पे। तो फिलहाल वर्कशॉप की साइड जाना है, वर्कशॉप टीचर से साइन वाइन करवाना है, क्योंकि नो ड्यूज फॉर्म फिलअप करना ज़रूरी है कॉन्वोकेशन से पहले। और यहाँ पे बच्चे लोग क्रिकेट भी खेल रहे हैं, देखो क्रिकेट खेल रहे हैं मस्त। एंड यहाँ पे हमारा वर्कशॉप है। अभी सामने जाऊँगा तो कैमरा बंद कर दूँगा, क्योंकि प्रोफेसर रहेंगे तो उनके सामने शूट नहीं करूँगा। अभी हम लोगों को जो साइन वर्कशॉप से मिलना चाहिए वो मिल गया है फाइनली। एंड अभी हम लोग जाएंगे कॉलेज के अंदर, वहाँ पे दो साइन और चाहिए, दो तीन साइन और चाहिए, जो भी है। आपको मैं सामने से थोड़ा थोड़ा करके कॉलेज दिखाऊंगा, क्योंकि हर जगह मैं कैमरा ऑन नहीं कर सकता, मोबाइल नहीं निकलवा सकता, प्रोफेसर से लेके सब लोग रहते हैं। तो ये वाला एरिया बहुत बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि हम लोग जब भी बंक मारते थे ना, बंक मारते थे या फिर उस साइड टैक्स शॉप जो आप लोगों को दिखाया था वहाँ पर बंक मारते थे, या फिर इसी वाले एरिया में बहुत आराम से अड्डा मारते थे। मतलब बहुत बहुत, इतने दिन बाद जब मैं आया हूँ यहाँ पर, बहुत बुरा लग रहा है देख के। तो यहाँ ये वाला एरिया बहुत मेमोरेबल है, जैसे आप देख पा रहे हो, ये पूरा कंप्लीट होने वाला है। दो साइड यू डिज़ाइन में कंप्लीट होगा, उस साइड भी है। और यहाँ पे जितने सारे प्रोफेसर की गाड़ी आते हैं सब यहाँ पे रुकते हैं। तो सामने साइन बोर्ड देख रहे हो, इस तरह बनेगा फुल बिल्डिंग, अभी जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, देख ही पा रहे हो आप लोग। और यहाँ से सामने जाकर राइट में अपना एंट्री है। इसके बाद मैं मोबाइल निकालूंगा नहीं, क्योंकि सारे प्रोफेसर आपको बता चुका हूँ मैं। तो जहाँ तक है यहाँ तक है, ये वाला बिल्डिंग, यहाँ पे मैं SOE कंप्लीट किया, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग कंप्लीट किया था। तो अभी हम लोग लिफ्ट में जा रहे हैं साइन करवाने। तो अभी हम लोग यहाँ पे आशीर्वाद होटल में आ चुके हैं खाना खाने के लिए। आशीर्वाद होटल कॉलेज के बगल में ही है, एंड काइंड ऑफ अच्छा ठीक ठाक होटल है। मतलब हम लोग कॉलेज लाइफ में बहुत, लंच में हम लोग यहाँ पे खाते थे, कभी कभी डिनर भी यहाँ पे होते थे। तो अभी खाना पीना सब हो चुका है, और अभी थोड़ी देर के लिए हम लोग रूम पे जा रहे हैं। ये हमारा टपरी हुआ करता था, यहाँ पे हम सब लोग बैठते हैं। इसको बोलते हैं MIT कॉर्नर, जो एरिया आप देख रहे हो इसको MIT कॉर्नर बोला जाता है। और इस साइड अगर सीधा जाओगे तो कॉलेज का गेट ये सब होता है। यहाँ पे अपना दोस्त बोलो। नमस्कार देवी और सज्जनों, मेरा नाम मनु चक्रवर्ती है। अपना दोस्त है, बंगाली ग्रुप था अपना, वहाँ से पहचान हुआ। अब एक डेढ़ साल बाद मिल रहे हैं हम लोग एक दूसरे से। मतलब पुणे में जब आया कोई नहीं है, अपना पुराना वाला दोस्त साहब निकाल चुके हैं। सिर्फ ये बोल रहे हैं कि मैं हूँ अभी पुणे में इस वक्त, तू आ जा, बात हुआ होगा। काफ़ी खुशी हुई भाई को देख के इधर, ठीक है भाई। और ये अपना टपरी, ये वही टपरी है जिसमें देयर आर लॉट्स ऑफ मेमोरीज,
हिडन मेमोरीज, हिडन मेमोरीज। मतलब जब से पुणे आया हूँ ना इतना अच्छा नहीं लग रहा, बुरा लग रहा है। नहीं वो नहीं बोल सकते, वो नहीं बोल सकते, वो थोड़ा सेंसर हो जाएगा। नहीं वो नहीं पूछिए, यहाँ पे देखिए बच्चे क्या कर रहे हैं, सब लोग बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं, चाय पीते थे, जूस पीते थे, चिप्स खाते थे, मोमोज खाते थे, कॉलेज लाइफ एंजॉय करते थे। ये वही जगह है जहाँ पे बहुत लोगों का मिलन हुआ है, शाम को जूस पीते थे और उसके बाद बहुत लोगों का मिलन हुआ है, बहुत अननोन फ्रेंड्स से नॉन फ्रेंड्स बने हैं, नॉन फ्रेंड्स बने हैं। बहुत मजा किया है ये जो हम लोगों का बैंकुली ग्रुप था ना, मतलब बहुत ज्यादा हम लोगों ने एंजॉय किया है। मतलब ऐसा कोई नहीं होगा जो अपने यूनिवर्सिटी का हो जो यहाँ पे ना कभी आया हो, ना कभी आया हो। और ऊपर से जब से मतलब हर बंदा आता ही है इधर, जब से पुणे में आया हो ना अंदर से बुरा लग रहा है कि मतलब फाइनली इसको छोड़ के जाना होगा, मतलब फोर्स को लिया ऐसे। काश ऐसा होता कि मतलब कॉलेज कंटिन्यू रहता तो यहाँ पे, जितने सारा प्रोफेसर, जितने सारे मतलब फ्रेंड्स लोग हैं या मतलब कॉलेज में जितने सारा जान पहचान के लोग हैं, सब लोग यही बोल रहे हैं यहाँ पे एंटर कर लो, यहाँ पे एंटर कर लो। भैया जो मैंगो शेक था भी, मैंगो शेक, हाँ मैंगो शेक दो, मैंगो शेक दो, मैंगो शेक आर की क्या चे, आर की आचे नीचे बोर्ड आने लगा। আমি দুটো ম্যাঙ্গো, দুটো ম্যাঙ্গো স্যার, একটা চিকুড়ি, একটা চিকুড়ি কর রহা হুম, আবি কর রহা হুম, বাতা বাতা দে। ये वही दादा है जो MIT के हर एक स्टूडेंट्स आके यहीं से जूस पीते हैं, काफी पॉपुलर दादा है ये, वही है वेस्ट बंगाल से है, तो यहाँ से वो आज से तीन साढ़े तीन साल से। जी जी बिल्कुल, हाँ हाँ हाँ, मैंगो मैंगो, ये कौन सा, चीकू 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 शेक, और ये मैंगो शेक। दिल्ली वाला उतना अच्छा नहीं है, पर पुणे में जो मिलता है ना, तो अभी आया हूँ एमानोरा मॉल, कल आप लोगों ने सीजन मॉल देखा है तो आज एमानोरा मॉल देख लो। तो यहाँ से एंट्री है, करते हैं बंद, पड़ा हुआ है भाई, थोड़ा अजीब सा नहीं लगता बंद एस्केलेटर में ऐसे चलते हुए, मुझे तो बहुत अच्छा, अचानक से चलना चालू हुआ था। तो वही जगह है जहाँ पे हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम आते थे, अभी तो चेंज हो गया, हम लोग जब थे तब इतना अच्छे से नहीं था ये मॉल, मतलब ये वाला जो सामने ग्राउंड देख रहे हो यहाँ पे हम बैठ सकते हैं, सामने देख रहे हो आईपीएल देख पा रहे हो, देखाऊंगा रुक जाओ, देखो आईपीएल चालू है, यहाँ पे बैठते हैं थोड़ी देर और आईपीएल देखते हैं। तो ये मनोरम मॉल के अंदर की व्यू है टोटल, यहाँ से आप देख पा रहे हो, यहाँ पे मेनली मतलब रेस्टिंग के लिए बैठ सकते हो आप आराम से, लोग नीचे बैठे हुए और सामने यहाँ पे चल रहा है आईपीएल, देख लो आईपीएल चालू, आईपीएल देख लो, आनंद ले लो और क्या, मस्त लग रहा है। पहले ये मनोरम मॉल इतना अच्छा नहीं था, हम लोग जब यहाँ से जा रहे थे, ये जो जगह देख रहे हो ये पहले स्विमिंग पूल हुआ करता था, मतलब वाटर शो के लिए ये था, तो अभी हम लोग 2019 से काम चालू हुआ था इसका, उसके बाद अभी लास्ट ईयर जब आए थे तब भी नहीं था ऐसा, तो अभी देख रहा हूँ चालू हुआ है करके, तो अच्छा है, मतलब यहाँ पे आप कभी मनोरम मॉल पे आओ तो, सीजन मॉल उतना बड़ा नहीं है, तो कल वाला जो ब्लॉक में आप लोगों ने मॉल देखा था वो छोटा ही है, बट मनोरम मॉल बड़ा है और अच्छा भी है, ग्राउंड सबसे इम्प्रेसिव ये वाला एरिया है। नाउ वी आर गोइंग टू मैकडोनल्ड्स, टाइम लगेगा कितना, तो नंबर नहीं आया, प्रॉब्लम हो गया, हम लोग क्या बोल रही है, खाना स्टार्ट करेंगे। तो अभी घूम के हो गया, खाना वाना भी हो चुके है, अभी वो यार गोइंग टू होम, अपने कुछ सुनाई नहीं दे रहा शायद। हार्ली डेविडसन का शोरूम देखना है, ये देखो पहले ना उस तरफ था, उस तरफ, अभी इस तरफ लेके गया, मुझे लगा कि बैन हो गया होगा, मतलब हार्ली डेविडसन कंपनी तो हट गया ना इंडिया से, तो मुझे लगा कि चला गया, अभी देख रहा हूँ इस तरफ लेके आए। तो यहाँ से एग्जिट है, ये सामने वाला जो देख रहे हो ये एमानोरा, सामने सीजन, मतलब कल वाले ब्लॉग में जिस मॉल पे मैं गया था वो सामने वाला मॉल, और अभी आ जाया हूँ
उसके जस्ट अपोजिट है मनोरा मॉल पे, देख रहे हो यहाँ पे एक मॉल और सामने सीजन मॉल, ये जो सीजन लिखा हुआ ना उसी मॉल पे कल गए थे और मनोरा मॉल मतलब इस साइड आज आए हैं। तो अभी जस्ट रूम पे पहुँचा हूँ। आई होप कि आपको आज का पूरा दिन का ब्लॉग बहुत पसंद आया, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए और कनेक्टेड रहिए, कल भी ब्लॉग आने वाला है, आने वाले दिन में बहुत सारे इंटरेस्टिंग ब्लॉग आने वाला है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो और मिलते हैं इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, मिलते हैं और एक दिन नया ब्लॉग नया कॉन्टेंट के साथ।